ठीक है ना, तो ये सारे देसी तरीके हैं। देसी तरीके। अब ये नीम ऑयल है। नीम ऑयल है। अब नीम ऑयल को जो है, अब नीम ऑयल के लिए अभी गर्मी सीजन आ रहा है। हाँ जी, नीम ऑयल को मैंने देखा है कि जो मतलब चैनल पे दिखाते हैं यूट्यूब वाले, कि जो देखो वो नीम ऑयल हर चीज पे नीम ऑयल डाल देता, कितना असरदार है। बहुत बढ़िया, ये जितने रस चूसने वाला मक्खी है ना उसके लिए लक्ष्मण बाण है, पता कड़ुआ हो जाएगा, जब कड़ुआ होगा तो फायदा कहाँ से। अब इसके लिए जैसे मान ली कि अभी गर्मी आएगा, नेबौली गिरेंगे नीम से, ये कहाँ पर है नीम के नेबौलियों से, तो कंपनी बना रहा है आपका, ले जा रहा है फ्री में, नीचे पॉलिथीन प्लास्टिक बिछा दीजिए, उसका बीज गिरेगा पक के, बीज के इकट्ठा कर लीजिए, ऊपर लकड़ी का थोड़ा हटा दीजिए, उसको धूप में नहीं सुखाना है, बायो कोई भी है धूप में नहीं, उसको छाया में सुखाना है, सुखाइए 5 किलो बीज का जो है चूरन बना लीजिए या पीस लीजिए, पीसने के बाद उसको 10 लीटर पानी में मार्किन कपड़े में बांध दीजिए, बाल्टी में डंडा के सहारे उसको रख दीजिए, उसका अर्थ रात भर में निकल जाए या 4 घंटा में, मतलब कपड़े के अंदर डाल के रखना उस पाउडर को और बाल्टी में डुबो देना है, बाल्टी में थोड़ा पानी से ऊपर होना चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं जैसे है ना, इसमें डंडा बांध दिए, इसके नीचे कपड़े बांध दिए तो पानी में है वो, राइट राइट। उसके बाद क्या है, रात को खुल गया और पूरा निकल गया, शरबत हम लोग चीनी के भरते हैं ना, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गाँव में शरबत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह से शरबत तैयार हो गया। अब 10 लीटर पानी के 90 लीटर उसमें मिला दीजिए, 90 लीटर हो गया 100 लीटर, 100 लीटर 5 किलो में जितना तैयार हो गया 100 लीटर, और 100 ग्राम कोई भी पाउडर कपड़ा धोने वाला वो मिला दीजिए, उससे क्या होगा कि जो आपका झाग बनेगा वो पत्तेपन चिपक जाएगा, नहीं तो पानी सीधे गिर जाएगा, हाँ। तो इसीलिए जो है झाग बनना, तो हम लोग पूरा पूरा उनके लिए जो रखते हैं, मतलब नीम की निम्बोली से जो है वो नीम ऑयल तैयार किया जाता है, हाँ। और प्रोसेस आपने हमें पूरी तरह से समझा दिया, तो ये बहुत काम आने वाला है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मिलता है मार्केट के अंदर, तो अभी गर्मी आएगा आप उसको इकट्ठा करिए, हाँ। अब कहीं रूम में कहीं जहाँ धूप नहीं है वहाँ इकट्ठा करिए, जब जरूरत हो अपना यूज कर लीजिए, देखिए नहीं कला पड़ गया, कोई पुराना थोड़े होने वाला है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, यही हम लोग के किसान के जो है गांव में गांव, पूरा हरियाणा हम लोग देखते हैं, हरियाणा हम लोग फरीदाबाद से हैं, पूरा हरियाणा जो है एक कवर करते हैं, तो आजकल फार्मर के लिए और ये जो किचन गार्डनिंग कर ले रहे हैं उनके